पर देवकी ने कंस से विनती की कि वो उन्हें बख्श दे। कंस अहंकारी था पर अपनी बहन से प्यार करता था। कंस ने देवकी और वसुदेव को मारने के बजाय कैदखाने में डाल दिया और तय किया कि वो उन दोनों की आठवीं संतान को ही मार डालेगा और अपनी मृत्यु को लेकर हुई भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करेगा। इसलिए अपनी आसुरिक क्रूरता दिखाकर कंस ने तय किया कि वो देवकी की सभी संतानों को मार देगा। जब जब देवकी ने किसी संतान को जन्म दिया, कंस ने कैदखाने की दीवारों से उन्हें दे मारा और इस तरह उसने देवकी की 6 मासूम संतानों को मार डाला। जब देवकी अपनी 7वीं संतान से गर्भवती थी, देवी महामाया ने उस शिशु को अपनी माँ के गर्भ से वसुदेव की